जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक आयोग एकदम निरंकुश हो चुका है, तानाशाही पर उतर चुका है, स्टूडेंट्स के भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ये बात मैं ऐसे सीधे नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर कुछ कटिंग है, आप इसे देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों का कैंडल मार्च, आप आगे देखिएगा, एक दिन की परीक्षा कराने के लिए विद्यार्थी परेशान है, लेकिन आयोग की तरफ से न तो कोई जवाब दिया जा रहा है और न ही चीज़ें स्पष्ट की जा रही है। और सबसे बड़ा न्यूज़ यहाँ पे देखिए भाई, 32 की उम्र में फॉर्म भरा और 45 के हो गए लेकिन नहीं हो पाई भर्ती। तो क्या है ये समाचार, एक एक करके सबको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मनमोहन पार्क से निकले मार्च को पुलिस ने हिंदू हॉस्टल पर रोका। मनमोहन पार्क से ये मार्च निकलता है जो कि शांतिपूर्ण मार्च होता है, कैंडल मार्च निकाली जाती है, लेकिन पुलिस ने इसे हिंदू हॉस्टल पर रोक लिया। अब ये मार्च निकाला क्यों गया, ये नॉर्मलाइजेशन के विरोध में। नॉर्मलाइजेशन, आप ये मुद्दा पिछले कई दिनों से चल रहे कि UPPCS RO ARO की परीक्षाएं दो शिफ्ट में होंगी या दो से मतलब एक से अधिक दिनों में होगी। अब ऐसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा जिसमें धांधली स्पष्ट रूप से हो सकती है, संभावना प्रबल है कि धांधली होगी, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मैथ्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट में लगाना उचित है। GS में आप किस प्रकार से डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रश्न कठिन या सरल है। तो कैंडल मार्च है, इसके बाद भी ना आयोग किसी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा समाचार है कि एक दिन की परीक्षा के लिए छात्र एकजुट निकाला गया कैंडल मार्च। बात वही है ना, बात को थोड़ा बदल करके रखा गया, अलग पेपर की कटिंग है। देखिए यहाँ पे PCS की प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराए जाने के प्रस्ताव का जमकर विरोध है, लेकिन आयोग ने अभी भी कोई ऐसा स्पष्ट नोटिस नहीं बताया कि परीक्षा दो दिन में नहीं होगी, एक दिन में होगी, या एग्जाम डेट क्या होगा। जैसे 7 और 8 दिसंबर ये बताया गया है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, है ना। देखिए आप यहाँ पे विस्तार से पढ़ सकते हैं, PCS प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कराए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों ने शनिवार शाम कैंडल मार्च निकाला, है ना। दो दिन परीक्षा कराए जाने के का जो मतलब प्रस्ताव है, इसी का विरोध है ना। दावा किया जा रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मनमोहन पार्क चौराहे पर शनिवार शाम 6 से 7 बजे 100 से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 6 बजे 700 से अभ्यर्थी अधिक यहाँ पे होना चाहिए अभ्यर्थी जुटे और हिंदू हॉस्टल चौराहे की तरफ चल पड़े। अभ्यर्थियों ने सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया था, लेकिन हिंदू हॉस्टल चौराहे पर ही पहुंचते पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। देखिए भाई, अब ये भी हो चुका है कि कैंडल मार्च को भी पूरा नहीं होने दिया जा रहा है ना। त्यौहार पर भीड़ भाड़ के मद्देनजर पुलिस ने छात्रों को कैंडल मार्च वहीं समाप्त करने के लिए कहा, और 5 छात्रों ने हिंदू हॉस्टल चौराहे पर स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और तय किया कि जल्द ही आंदोलन को अगले चरण की रूपरेखा तैयार की जाएगी। देखिए भाई, ये त्यौहार का वो दे करके मतलब कि भाई आगे त्यौहार है, भीड़ भाड़ न मचाया जाए, कैंडल मार्च को भी रोक दिया गया। अब आइए एक और न्यूज पर आते, देखिए यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग पर TGT जीव विज्ञान की भर्ती पूरा करने का दबाव। देखिए भाई, ये न्यूज़ क्या है, महोबा के रहने वाले इंद्रपाल, है ना, ये 32 वर्ष की उम्र में अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक TGT जीव विज्ञान के पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरा था। इंद्रजीत अब 45 वर्ष के हो चुके हैं, मतलब भाई समझिए 13 वर्ष का समय हो चुका है ना। उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया भाई, लेकिन अभी तक ना ये जो 86 पद है ना, इन पर भर्ती नहीं हुई। मतलब समझिए 13 साल हो गए भाई, 2011 में विज्ञापन आया था, फॉर्म भरा गया था, है ना, 2016 में लिखित परीक्षा आयोजित कराएगी, सोचिए 11 में फॉर्म भरा जा रहा है, 16 में परीक्षा हो रहा है ना, और 2023 में लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, लेकिन अभी भी मतलब भर्ती नहीं मिली, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी, इन सबका नाम दिया गया, इंद्रपाल, सचिन कुमार, प्रवीण, है ना भाई, ऐसे कई अभ्यर्थी जो सफल हुए लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। ये तो आयोग का रवैया है, हाल फिलहाल जो भी है भाई, अब पढ़ाई लगातार करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल भर्ती होगी, है ना। अब ऐसा जो ये इतना लंबा लटका हुआ, इतना लंबा नहीं लटकेगा भाई, PCS का एग्जाम, RO ARO का एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है तो होगा ही होगा, है ना। अब प्रिपरेशन कहाँ से करना है, तो ये करना है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज से, जहाँ आप
यूपी पीसीएस प्री आरओ एआरओ प्रत्येक एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जीएस और सीसेट इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन एक जगह कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक कोर्स परचेस करना है मात्र 1600 रुपये का। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, है ना, 2 महीने की वैलिडिटी होगी और कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। आप और अगर अतिरिक्त कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोई कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई कर रहा होगा ज्ञान सर।